हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे। आज मैं एक डिफरेंट रेसिपी के साथ आई हूँ, गनौकी की रेसिपी। गनौकी एक स्मॉल थिक और सॉफ्ट डो डम्पलिंग्स होते हैं जिसे बनाना मैं आपको अपने दूसरे वीडियो में बताऊँगी। यहाँ पर मैं गनौकी के रेडीमेड पैकेट को यूज़ कर रही हूँ। ये 500 ग्राम्स का है जिसमें से मैं 200 ग्राम ही यूज़ करूँगी। गनौकी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं। आप अपने पसंद की और भी सब्जी को ऐड कर सकते हैं या फिर हर्ब्स भी इसमें ऐड किया जा सकता है। मैंने यहाँ पे 200 ग्राम गनौकी को निकाल लिया है। गनौकी डिफरेंट डिफरेंट शेप के होते हैं, मैंने ऐसे शेप वाले गनौकी को यूज़ किया है। सबसे पहले हम एक कंटेनर लेंगे और इसे गैस स्टोव पे हीट होने को रख देंगे और अब हम इसमें पानी डाल देंगे। तो पानी मैंने यहाँ पे 3 से 4 कप लिया है और अब इसे हम बॉयल होने देंगे। पानी अब बॉयल हो चुका है तो हम इसमें गनौकी को डाल देंगे और इसे थोड़ा पकने देंगे। अब एक स्पून के हेल्प से गनौकी को पानी में मिक्स कर देंगे, फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसे कवर कर देंगे। और अब थोड़ी देर के बाद हम कवर को हटाएंगे और इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे गनौकी जो है वो अच्छे से पक जाए और फिर से हम इसे कवर कर देंगे। और आइए फिर से एक बार हम इसके कवर को हटाते हैं और चेक करते हैं। गनौकी जो है बिल्कुल फूल गया है, इट मीन्स कि ये पक गया है। तो करीब मुझे 12 से 15 मिनट लगे हैं इसे पकाने में। अब इसे स्ट्रेन कर लेंगे। यहाँ पे मैंने गनौकी को स्ट्रेन कर लिया है और अब एक फ्राई पैन लेंगे और इसे हीट होने को रख देंगे। यहाँ पे फ्राई पैन हीट हो चुका है तो अब हम इसमें बटर ऐड कर देंगे। तो करीब 2 टेबल स्पून मैंने बटर यूज़ किया है और अब बटर को मेल्ट होने देंगे। बटर मेल्ट हो चुका है और अब इसमें सारे वेजिटेबल्स को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स में लिया है पीस, ब्रोकोली, कैरेट, फ्लावर, कॉर्न और आप अपने पसंद की और भी वेजिटेबल्स को ऐड कर सकते हैं और फिर इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और अब हमें वेजिटेबल्स को फ्राई करना है। थोड़ी देर बाद वेजिटेबल्स जो है फ्राई हो चुका है। हमें वेजिटेबल्स को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हाफ फ्राई ही करेंगे। और अब हम इसमें सारे गनौकी को डाल देंगे। और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने गनौकी को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे यानी कि सॉल्ट। और अब इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड करेंगे यानी कि काले मिर्च स्वाद के अनुसार और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गनौकी रेडी हो चुका है सर्व करने के लिए। ये बिल्कुल डेलीशियस और यमी दिख रहा है मुझे। इसे सर्व कर सकते हैं अपने पसंद के सॉसेस या फिर ड्रिंक के साथ। इसे सर्व करें, सर्व करने से पहले आप गार्निश कर सकते हैं धनिया पत्ते से या फिर अपने पसंद की हर्ब से। इसे ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।